अरे बैठ पीछे बैठ व्यक्तिगत मंत्री जी। द लाइव टीवी सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी वापस आ गई और उनका बंगला भी वापस आ गया। तेजी से काम इसलिए हुआ क्योंकि तेजी से उनका बंगला छीना गया था और तुरंत ही उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। अब अगर ऐसे में तेजी से काम ना होता तो सांसद फिर से सवाल पूछने लगे थे लोकसभा अध्यक्ष से कि अध्यक्ष साहब बताइए, जब छीनना था तो आपने तेजी दिखाई और जब देने की बारी आई तो आप तेजी नहीं दिखा रहे। तो उसी तेजी के साथ लोकसभा अध्यक्ष को उनका बंगला भी वापस करना पड़ा और उनकी सदस्यता भी तुरंत वापस करनी पड़ी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, राहुल गांधी अपने तेवरों के साथ अब एक बार फिर से लौट आए हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और 2024 के बाद फिर पार्टी का नेतृत्व करने के साथ साथ आगे भी लेकर जाएंगे। अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या स्थिति हो जाएगी, जो मंत्री हैं उनके क्या हालात हो रहे होंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल वो अपनी भाषा शैली भूल गए, उनको कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए तक भूल गए। दरअसल बौखलाहट इतनी ज़्यादा है, मुद्दे बहुत सारे हैं। एक तो राहुल गांधी वापस आ गए, उससे पहले इंडिया गठबंधन बन चुका था, 26 राजनीतिक पार्टियाँ जिनके एक होने से संबित पात्रा जी का ट्वीट आ रहा था, लगातार तरह तरह की बातें रविशंकर प्रसाद के द्वारा कही जा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी गाना गाने लगे थे, ये सब प्रक्रियाएं पहले से हो रही थी और मुद्दे बहुत ही जेन्युइन उठाए जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर का मुद्दा, इन सब मुद्दों को हवा देने की कोशिश हो रही, क्योंकि यही सब मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, जिसमें किसानों का भी मुद्दा है, पहलवानों का भी मुद्दा है और भी अन्य मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर घेरा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये तस्वीर कुछ दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी के बंगले की। सुप्रिया भारद्वाज ने वीडियो ट्वीट किया है, इस वीडियो को आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो दिख रहा होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से अपने बंगले की तरफ जा रहे हैं। ये वही बंगला है जो कुछ दिन पहले उन्होंने छोड़ दिया था। अब उस बंगले के कर्मचारी जो उनको हैंडओवर करने बंगला है, उन कर्मचारियों से हाथ भी मिला रहे हैं। एक मतलब डाउन टू अर्थ जो नेता होता है, नैतिक नेता, वो दिखाई पड़ रहा है इस तस्वीर के माध्यम से। वो जा रहे हैं, हर एक कमरे को चेक कर रहे हैं, हर एक कमरे में मतलब लाइट्स वाइट्स वगैरह देख रहे हैं और भी चीज़ें क्या है, सुविधाएं क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। कागजी कार्रवाई प्रियंका गांधी भी करवा रही हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और राहुल गांधी उसके बाद लॉक लगाते हैं और फिर कर्मचारियों से मिलते हैं, फिर मीडिया से भी बाद में मुखातिब होते हैं, मीडिया से भी बातचीत करते हैं। तो ये तो हमने आपको वीडियो दिखा दिया, सुप्रिया भारद्वाज ने ट्वीट किया था, बाकायदे आप देखिए, 12 तुगलक लेन वाला जो उनका बंगला था उन्हें वापस मिल गया है। लेकिन बंगला मिलने के बाद लोगों का रिएक्शन किस तरीके से आ रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। संसद भवन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आप बखूबी जानते होंगे, पहले शिवसेना में थे, बगावत थे, अब इस समय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे बैठ पीछे बैठ, बैठ अरे बैठ, इस तरीके की भाषा जो अशोभनीय भाषा है, जो आमतौर पर लोग कभी नहीं इस्तेमाल करते, असंसदीय भाषा है जो उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। बार बार सभापति महोदय रोक रहे थे, रुक जाइए मत बोलिए, लेकिन उसके बाद भी मंत्री जी नहीं माने। वो माननीय मंत्री जी कहते रहे लेकिन माननीय मंत्री जी मानने को तैयार ही नहीं हुए। आप देखिए जरा किस तरीके से वो सब कर रहे थे, देखिए जरा। अरे बैठ पीछे बैठ व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, अवकात नहीं उनकी, पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की उंगली भी बताए ना, थैंक यू, तो तुम्हारी अवकात में निकालूंगा, क्या असलियत इधर उधर निकालूंगा। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से, अरे बैठ पीछे बैठ, चुप हो जा, ये कर रहा वो कर रहा, इस तरीके की भाषा क्या कोई मंत्री बोल सकता है, आप अंदाजा लगाइए। अजीत अंजुम ने इसे ट्वीट भी किया कि अरे बैठ पीछे बैठ, बैठ अरे बैठ, ये केंद्रीय मंत्री का सलीका है। जाहिर है जितने जिनसे इतनी बदतमीजी कर रहे हैं वो कोई सांसद ही होंगे, मतलब जिनसे उनकी बदतमीजी हो रही थी वहां पर नीचे बैठ कह रहे थे, वो भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि है। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि से एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस तरीके से बात कर रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आगे क्या करेगा, आगे किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा। तो ये दरअसल बौखलाहट क्यों है, इंडिया गठबंधन की वजह से, या राहुल गांधी के संसद में वापसी की वजह से, या महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जनता प्रदर्शन कर रही है, सड़क पर कांग्रेस यूथ विंग भी उतर रहा है, लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कब महंगाई कम होगी, कब बेरोजगारी कम होगी, कब किसानों की समस्या सॉल्व होगी, कब रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे या फिर पकौड़ा ही तलना पड़ेगा। इन सब मुद्दों को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों से बचने की कोशिश भरसक हो रही है, लेकिन सवाल
से बच नहीं पा रहे और यही वजह है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि अब लोगों का रिएक्शन भी इस पर आ रहा है, वो रिएक्शन भी हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के बंगले को लेकर थोड़ी खबर आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी को फिर मिल गया है 12 तुगलक लेन वाला बंगला। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद ये फैसला हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के 12 तुगलक लेन वाला पुराना बंगला सरकारी बंगला आवंटित होने पर कहा कि उनका घर पूरा भारत है, यानी उन्होंने भारत को घर बता दिया। भारत देश उनका पूरा घर है, घर तो मिला ही है, इसमें तो रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी और उसके बाद लगभग 3500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा थी, वो यात्रा पूरी की और अब एक नई भारत जोड़ो यात्रा निकलने जा रही है, तो शायद राहुल गांधी तो इस वक्त घर में रहेंगे नहीं, वो तो भारत के भ्रमण पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद यानी मंगलवार को उनका पुराना सरकारी बंगला उन्हें आवंटित हो गया। हाउसिंग कमेटी ने उन्हें दिल्ली के 12 तुगलक लेन वाला बंगला वापस दे दिया है। उन्होंने बंगला मिलने पर कहा, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि पर शुक्रवार 4 अगस्त को रोक लगा दी थी। इसी के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता उनकी बहाल कर दी गई। इसके बाद उन्हें फिर से बंगला भी मिल गया है। राहुल गांधी को मोदी उपनाम मामले में गुजरात के सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। फिर उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भी दे दिया गया। राहुल गांधी मानहानि मामले में हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन उन्हें यहां राहत नहीं मिली थी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। राहुल गांधी ने 22 अप्रैल 2023 को दिल्ली के तुगलक लेन वाला बंगला 19 साल बाद खाली किया था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि सच्चाई की जो भी कीमत हो चुकाएंगे, इसके लिए हमेशा वो तैयार है। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे घर दिया था लेकिन छीन लिया गया, कोई बात नहीं। इस मौके पर मां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। तो प्रियंका गांधी की तस्वीर तो आपने देखी ली, प्रियंका गांधी की तस्वीर वहां पर थी और वो बाकायदे कागजी कार्रवाई भी करवा रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी को बंगला मिल गया है। राहुल गांधी अपने पुराने बंगले में गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं किस तरीके से बौखलाहट भी निकल कर सामने आ रही है। वो ये देख कर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे अपनी आंखों से कि जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग एकदम से ध्वस्त हो गई। मतलब पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, राहुल गांधी चुनाव लड़ पाए, राहुल गांधी कैसे भी करके जो है मतलब वो धराशाही हो जाएं, और राहुल नहीं रहेंगे तो सेनापति नहीं रहेगा तो सेना कैसे युद्ध कर पाएगी, फिर तो हम चुनाव जीत ही लेंगे। अब इस पर लोगों का भी रिएक्शन आ रहा। अवेश गोयल लिख रहे हैं कि संसदीय गुंडा, ये हम नहीं कह रहे, ये लोगों द्वारा कहा जा रहा है किस तरीके से संसद में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने पर लोग कह रहे हैं। सिद्धार्थ लिख रहे हैं कि जैसी पार्टी वैसे संस्कार वैसी भाषा, मतलब जैसी पार्टी इनकी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है ये काम। तो आप इनकी भाषा का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से बात करते हैं और किस तरीके चीज़ें करते हैं। अब आलोक लिखते हैं, शौक लगा विधानसभा और अलग जगह पर देश के प्रधानमंत्री के लिए चौथी पास राजा सुनकर, तो तुम जैसों का दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। आज तक अजीत अंजुम गैंग ने एक शब्द कभी नहीं बोला, मतलब अजीत अंजुम ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर भी अजीत अंजुम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक है एम भूपेश लिखते हैं कि अब तो समझ रहे होंगे, अब ये लिख रहे हैं कि अब तो समझ रहे होंगे कितने घमंड के साथ बकवास कर रहे हैं ये भाजपाई, और ये तो वो अगर भाजपा में शामिल ना हुआ होता तो शायद सबसे भ्रष्टतम लोगों में से गिनती आज भी अंधभक्त और भाजपाई कर रहे होते। साफ दिख रहा है लोकतंत्र की धज्जियां और तानाशाही का बोलबाला। 2024 में इस स्थिति को ख़त्म कर, मतलब 2024 में इस स्थिति को ख़त्म कर, न जाने क्या क्या होगा आगे आने वाले समय में क्या होगा, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो अजीत अंजुम ने ये वीडियो ट्वीट किया है और अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, भाषा की मर्यादा कैसे गिरती हुई चली जा रही है। जो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बौखलाहट है, चारों तरफा से भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो उनकी प्लानिंग को लेकर हो। जो प्लानिंग फेल होती है तो बहुत ही अंदर से कचोटता है मन, तो मन भी कचोटता हुआ नजर आ रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।